तो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं उमेश और आप देख रहे हो उमेश के ब्लॉग्स। तो गाइस, आज संडे है, आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉग बना रहा हूं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। तो चलिए, मैं पहले मेरे बाल अभी ऐसे हैं तो मैं थोड़ा तेल लगाता हूँ। मैं तेल लगा चुका हूँ, चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्या करना है आज। कि गाइस, आप देख सकते हैं सारी जगह पानी पानी भरा हुआ है। कल गाइस एकदम अचानक से बारिश आ गई थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश आएगी, पर रात को करीबन 3 बजे के आसपास बारिश आ गई थी। तो देखते हैं आज क्या करना है। वैसे तो आज मेरे बाल बहुत बड़े हैं, मुझे आज बाल कटवाने हैं, तो पहले आज मैं ट्यूशन जाऊंगा, उसके बाद बाल कटवाऊंगा। तो तब तक घूमते हैं ऐसे ही घूमते। तो गाइस, हम बाल कटवाने जा रहे हैं अब, मतलब नाई की दुकान यहाँ पर लेट खुलती है, तो अब वो खुल चुकी है, तो अब हम बाल कटवाने जा रहे हैं। तो हमने सोचा पहले इसके कटवा लेंगे, उसके बाद मैं कटवा लूँगा। हमारे स्कूल में नई टीचर आए हैं तो कह रहे बाल कटवाओ, तो वैसे भी संडे था तो सोच रहे थे कटवा लेंगे, तो अब ज़रूरी हो गया तो वैसे भी कटवा लेते। चलिए चलते हैं फिर सीधा दुकान पे। चल सकते हैं, बारिश के कारण कितना पानी भर रखा है, मैं सीधा ही जाना है। तो गाइस हम जा रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं गाइस, ये है ना एक दुकान। तो चलिए गाइस सीधा अंदर चलते हैं। सो गाइस, मैं बाल कटवा चुका हूँ, अभी 2 घंटे बैठना पड़ा था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, उसके बाद फिर मेरे बाल कट चुके हैं। अभी मेरा दूसरा भाई कटवा रहा है, तो मैं सोचा चलो घर जाके नहा लेते हैं। तो गाइस मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बाल तो कट चुके हैं, कैसा लग रहा हूँ कमेंट जरूर करना। तो चलिए गाइस चलते हैं। मौसम आप देख सकते हैं, सुबह से अभी तक एकदम ठंडा हो रखा है, अभी शायद बारिश होगी थोड़ी देर में। मौसम के कारण हमारे सर ने भी आज छुट्टी कर दी है, ट्यूशन वाले सर ने। वैसे भी आज करवा चौथ है और संडे भी है, तो देखते हैं अब क्या करते हैं, अभी तो मौसम ऐसा ही है। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। शाम हो चुकी है और बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पानी आ रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो मौसम ऐसा ही है। फिर भी हम देखते हैं आज क्या करना है, तो अभी देखते हैं कहाँ घूमने जाना है, शायद देखते हैं मंडी वगैरह जाने की सोच रहे हैं। वैसे अगर मौसम ठीक ही रहा और 2-3 लड़के मान के, तो मंडी जाके आएंगे। गाइस आप देख सकते हैं पूरी गली में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, मुझे तो ठंड लग रही है गाइस, कैमरा भी हिल रहा है मेरे हाथों से। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मोती लगे हुए हैं, ये मोती माला होती है जो लोग पहनते हैं गले में, उसमें इस्तेमाल होते हैं, अब ये पूरी तरह से पके नहीं है, ये भूरे भूरे हो जाएंगे, ये जो इसको छील के इसके अंदर से निकलेंगे गाइस वो मोती। गाइस ये देखिए घास यहाँ पे, गाय उधर साइड तो दवाई डाल रखी है और इधर साइड दवाई नहीं डाल रखी, इसलिए इधर साइड सूखी हुई है, इधर साइड हरी है। तो गाइस मंडी में जाने का प्लान कैंसिल। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं भूर्भुवस्वः श्री महागणाधिपतये नमः श्री गुरुदेवाय नमः मात्र पितर चरण कमल देवताभ्यो नमो नमः ओम महाश्री विष्णवे नमो नमः। सभी अपने को तिलक लगा लेंगे, ध्यान करेंगे जी गणपति महाराज जी का। हे गणपति महाराज जी, ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाते हैं। ध्यान करेंगे गणपति गणेश जी महाराज का कि हे गणपति महाराज, हमारे घर में परिवार में बरकत करना, घर परिवार के मेंबर्स फैमिली मेंबर्स सभी को लंबी आयु प्रदान करना और कष्टों को दूर करना।
ध्यान करें गणपति गणेश जी। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्र वृद सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः बहन ने अपनी भाभियों और माँ को कहा कि चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दो। लेकिन इसी प्रकार एक वर्ष उसका बड़े कष्टों से गुजरा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हट हट अरुण हटिया थोड़ा सब खत्म हो गया। बड़ा खतरनाक यो ये बड़ी ये लड़की गाइस आज की वीडियो यहीं तक। वैसे तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम अनाज मंडी में जाएंगे, पर उसके बाद फिर यहाँ पे आज करवा चौथ था, इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा चलो मंडी में ही बना लेते हैं व्लॉग। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी आंटियों के साथ, मम्मी ताई चाची जो मर्जी है, मतलब सबके साथ शेयर कीजिएगा इस व्लॉग को और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। जय हिंद जय भारत। कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब तो कर दो यार, कितनी बार बोल रहा हूँ।